मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आया हूँ अपने खेत, और यहाँ हम आज धान कटाई के बाद उसे घर ले जाने के लिए आए हैं। तो ये तिरपाल हमारा बिछ चुका है और इसके बाद हम जाएंगे धान उठाने। ये हमारे घर की धान लेके आ रही हैं मेरे पीछे, और यहाँ हमें अभी इकट्ठा करना है और फिर ट्रैक्टर में भर के उसे हम ले जाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और मज़ा लेते हैं आज भी। और आज ऐसे तो गुरु नानक जयंती है, पिकनिक का दिन है, पर काम ज़्यादा है इसलिए हम कहीं पिकनिक नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ हम मनाएंगे पिकनिक। पिकनिक बोले तो बस जो घर से आ गया सादा दाल चावल वह खाएंगे और पूरे दिन खेतों में काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। एक बड़ा सा खेत, और इसे भी अभी हमें बांधना है और ले के जाना है, तो आज पूरा दिन यहीं काम करना है। और इधर अभी ये काटना बाकी है, ये अभी हुआ नहीं है, हरा हरा दिख रहा है। और वो नीचे वाला जो खेत है वहाँ से अभी ला रहे हैं। मेरा बेटा खेतों के बीच से धान ले जाता हुआ, और ये हर काम में आगे रहता है, चाहे खेती बाड़ी हो चाहे सब्जी बनाना हो, सारा काम कर लेता है। आज पूरा दिन हमें खेत में काम करना शुरू हो गया है। और जल्दी ही यह जो खेत है वहाँ से हम सारा धान उठा लेंगे। तो चलिए धीरे धीरे मैं काम में लगा रहता हूँ। पहले खेत में धान उठाने का काम पूरा हो चुका है, और अब हम चलेंगे अगले खेत में। और खेती करना भी बहुत मुश्किल काम है। बचपन में जब हमारे दादा दादी थाली में हम खाना छोड़ते थे तो बहुत डांटते थे, और वह डांट जो है अब समझ आता है कि वे हमें क्यों डांटते रहे होंगे। तो चलिए हम दूसरे खेत पर चलते हैं।
जा रहा है। तो चलिए, काफ़ी थक गया हूँ मैं भी, 2 बज गए। इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में।